नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चक द क्रिकेट में। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कल बीसीसीआई ने केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट जारी की, जिसमें 27 खिलाड़ियों का नाम था, लेकिन सबसे बड़ा नाम एमएस धोनी उसमें नहीं था। इस पर कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या धोनी अब भारतीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे, नीली जर्सी में क्या अब वो नहीं दिखेंगे। अब इस पर बीसीसीआई का बयान आ चुका है। बीसीसीआई ने इस पर अपना बयान दिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि धोनी से इससे बात की जा चुकी थी। केंद्रीय लिस्ट को जो जारी किया गया उससे पहले धोनी से इस पर बात की गई थी, और एक बड़े अधिकारी ने, सौरभ गांगुली, राहुल जौहरी या फिर जैसा, इसमें से किसी ने बात की थी। जब उनसे पूछा गया कि इसमें से किन ने, किस सबसे बड़े अधिकारी ने बात की, तो उन्होंने इसका नाम जाहिर नहीं किया और कहा कि आप इसमें मत पड़िए कि किसने बात की, बस हम आपको इतना खबर दे दें कि इस पर धोनी से बात की जा चुकी थी और उन्हें बताया जा चुका था कि उन्हें केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट में नहीं रखा जा रहा है। फिर उस अधिकारी से इस पर भी पूछा गया कि क्या धोनी अब भारत के लिए नहीं खेलेंगे। इस पर कहा कि केंद्रीय अनुबंध में नाम ना आने का मतलब यह नहीं कि वो भारत के लिए आगे नहीं खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अनुबंध में नाम आने के लिए यह जरूरी है कि आपने कम से कम 3 टेस्ट और 8 वनडे मैचेस खेले हैं, या फिर 8 T20 मैचेस भी खेले हों तो आपका नाम इसमें आ सकता है। क्योंकि धोनी सेमीफाइनल के बाद से ही भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, किसी भी प्रकार के क्रिकेट से दूर थे, इसलिए उनके नाम को इसमें शामिल नहीं किया गया। फिर उन्होंने यह भी कहा कि धोनी अगर T20 विश्व कप में अपना नाम जोड़ लेते हैं, अपने प्रदर्शन के आधार पर टीम में वापसी करते हैं, तो उनका नाम फिर से इस अनुबंध में जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से इससे बाहर हो गए हैं। ये बीसीसीआई का बड़ा बयान है जो ये दर्शाता है कि धोनी को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, और साथ में यह भी उन्हें बता दिया गया था कि आप बाद में भी इससे जुड़ सकते हैं। एक जो अधिकारी ने बताया कि जिस नियम के तहत वो फिर से इस अनुबंध में जुड़ सकते हैं उसका नाम है प्रो राटा। ये जो नियम है इसके आधार पे वो फिर से जुड़ सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि वो T20 विश्व कप जो होने वाला है उससे पहले या उसमें वो टीम में शामिल हों। अपने प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं को प्रभावित कर वो टीम में शामिल होते हैं तो इस लिस्ट में वो जुड़ जाएंगे। यानी जो धोनी के बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे उनके संन्यास को लेकर या फिर बीसीसीआई द्वारा उन्हें उपेक्षित करने को लेकर, तो ये सभी खबरों का बीसीसीआई अधिकारी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी खबरें गलत हैं, क्योंकि एक नियम होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत केंद्रीय अनुबंध में खिलाड़ियों का नाम रखा जाता है, उसको धोनी ने पार नहीं किया था, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिया गया था। तो ये एक बड़ी खबर है धोनी फैंस के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए कि धोनी शायद अभी भी भारत के लिए आगे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल चक द क्रिकेट को। क्रिकेट से जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए हम आपके सामने हमेशा हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।